टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पैर में चोट के चलते एक्शन से दूर चल रहे सूर्य अब स्पोर्ट्स हर्निया के शिकार हो गए हैं और इसके इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना होगा, जिसके बाद उनकी सर्जरी होगी। इसकी वजह से अब सूर्य को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने में काफी समय लग सकता है और हो सकता है कि वो आईपीएल के कुछ मुकाबले मिस कर जाएं या फिर वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का उपकप्तान बनाया है। पीसीबी ने इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। वहीं दूसरी तरफ इस सीरीज में कप्तान की भूमिका में शाहीन शाह अफरीदी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी कृष्णाचारी श्रीकांत का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को साल 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जरूर खेलना चाहिए। श्रीकांत ने अपनी बात को मजबूती देते हुए कहा कि विराट इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहा है, लगातार रन बना रहे हैं और रोहित भी एक बार फिर से 2007 के करिश्मे को दोहराना चाहेंगे। रोहित के मन में भी वर्ल्ड कप की हार की कसक अभी भी है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली। इसी के बारे में बात करते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि राहुल को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। उनका टी20 में प्रदर्शन अच्छा रहा है और उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने संन्यास के बाद अपने जीवन के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कुछ समय के बाद बतौर कोच मैदान पर वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वार्नर ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का मानना है कि बीसीसीआई ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वह रोहित और विराट कोहली में से एक खिलाड़ी को टीम में रखे और एक को ड्रॉप कर दे। आगे बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, या तो दोनों खिलाड़ी साथ में खेलते हुए नजर आएंगे या फिर दोनों को ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। केप टाउन की पिच के बारे में बात करते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर विदेशों में पिच खराब होती है तो एक क्यूरेटर से गलती हो जाती है और अगर यही चीज भारत में होती है तो ये हमारी चालाकी है। ये दोहरे मापदंड रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। एमआई केप टाउन के कप्तान राशिद खान चोट के कारण साउथ अफ्रीका टी20 लीग के आगामी सीजन से बाहर हो गए हैं। वे पीठ की सर्जरी से उभर रहे हैं, उनके खेलने की संभावना काफी कम है। ऐसे में एमआई केप टाउन ने आगामी सीजन के लिए राशिद खान की जगह कैरन पोलार्ड को टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया है। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के दौरान गाजा में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष से प्रभावित होने वाले बच्चों के समर्थन में वहां पर काली पट्टी बांधी थी। इसके लिए आईसीसी ने उन्हें फटकार लगाई थी। आर्म बैंड पहनने के कारण लगे प्रतिबंध के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान की अपील को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खारिज कर दिया है। सौरव गांगुली ने कहा कि निश्चित रूप से रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी चाहिए, विराट कोहली को भी टीम में होना चाहिए। विराट शानदार खिलाड़ी हैं, 14 महीने बाद वापसी करने से कुछ नहीं होगा। टी20 विश्व कप में 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला इन दोनों खिलाड़ियों का छोटे प्रारूप का अंतिम मुकाबला था।